तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आशीष कैफे। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से आपकी एक वैकेंसी निकाली गई है कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो जो जो भाई बहन अगर अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कीजिएगा। क्या क्वालिफिकेशन है, उसकी सैलरी क्या होने वाली है, सारी डिटेल्स आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय तो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए, अभी भी ये वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2023 पे आ चुकी है। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष एवं महिलाओं के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर बैंड 5,200 से 20,200 ग्रेड पे 2,400 नए वेतनमान पे वेतन मैट्रिक्स रुपये 25,581,100 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपकी जो सैलरी होने वाली, सबसे पहली बात करूँ तो इसमें आपकी 25,500 से लेकर 81,100 तक की होने वाली है और इसमें निकल चुका है। श्रेणी क्या है वो बात करते हैं। अनारक्षित, जो जनरल की बात करें, टोटल जो वैकेंसी 381 मतलब 381 है। EWS की 91 है और अन पिछड़ा वर्ग के 249, अनुसूचित जाति की 193 है। टोटल की बात करें 930 वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पर भर्ती है तो पुरुष या महिला अभ्यर्थी दोनों पात्र हो सकेंगे, मतलब दोनों अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित भी की जा सकती है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं आवेदन की कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि आपकी 7 जनवरी 2024 से स्टार्ट होने वाला है और जमा करने की लास्ट तिथि आपकी 28 जनवरी 2024 है। शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन, जो जैसे आपको कोई गलत हो गया तो उसमें करेक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट आपकी 30 जनवरी होने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आवेदन शुल्क, जो फीस आपकी क्या होने वाली है। तो देखिए, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये होने वाली है। ठीक है, राष्ट्रीयता आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और इसमें शैक्षिक अर्थ जो बात करते हैं, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो देखिए, इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित विषय के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है एवं भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडिटेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, जो कि DOEACC विभाग से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। समकक्ष निर्धारण संसाधन देश दिनांक 5 मई 2020 के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, और हम बात करते हैं आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हतावश धारित करनी चाहिए तथा उसके अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र समय उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, और बात करते हैं एज की, तो देखिए भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष का आयु प्राप्त कर लेना होना चाहिए, 28 वर्ष तक अधिक की आयु प्राप्त न हो कि तथा अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1995 से पूर्व तथा 1/7/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और रहस्यन श्रेणियों के अभ्यर्थी को केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु की सीमा का छूट का दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आप अभ्यर्थी का चरित्र एहसास होना चाहिए और सरकारी सेवा में समायोजन के लिए सभी प्रकार के उपयुक्त हो सके। ये कुछ है जो मेन मेन चीज़ है वो मैं बता आपको। देखिए, आपके शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो इसमें दिखा किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वो मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। ठीक है, भर्ती की प्रक्रिया आप देख सकते हैं। इसमें देखिए बात करें लिखित परीक्षा की, आपकी 200 अंक का लिखित परीक्षा होने वाला है। बोर्ड अभ्यर्थी से लिखित परीक्षा में कंप्यूटर टंकन परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा। लिखित परीक्षा निम्नवत होगी, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन होगी, परीक्षा में 2 घंटे की होगी, कुल 160 प्रश्न आपके होने वाले जिसमें से 1.25 अंक का होगा। परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी, लिखित परीक्षा सामान्य ज्ञान मानसिक अभिरुचि रख सकती है एवं कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित होगा। ठीक है, ऑनलाइन लिखित परीक्षा अभ्यर्थी संख्या के अनुसार एक ही तिथि को एक ही पाली में कराई जाएगी, किसी अपरिहार्य कारणवश से एक अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों में कराई जा सकती है। एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों में परीक्षा कराए जाने की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रमाणीय बोर्ड की सूचना आपको नोटिस में हम जैसा कि बता देंगे। ठीक है, और आपकी जो मेन मेन चीज़ें वो बता दो, चयन तथा अंतिम योग्यता, चयन तो आपका नॉर्मलाइजेशन वगैरह होगा। ठीक है, और क्या है गाइज में बता दूँ, अब देखिए इसमें जो छूट में बता दूँ, देखिए लंबा जो आरक्षण है अनुसूचित जाति को उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम 1994 जो 5 वर्ष की छूट मिलने की संभावना है। जाति प्रमाण पत्र जिलाधिकारी या अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा आपका होना चाहिए। ठीक है, और हम बात करते हैं आपकी, या तो वो हो गई एज रिलैक्सेंस के बाद, और हम बात करते हैं इसमें स्वतंत्रता संग्राम सैनिक आश्रित होना चाहिए आपको, भूतपूर्व सैनिक देख सकते हैं टिप्पणी, और आपकी हम बात करेगा एज
ये ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है, जैसा कि आपको बता चुके हैं हमने, 7 तारीख से आपका अप्लाई होगा। जो जो इंटरेस्ट है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जो था यही था। तो इस वीडियो में इतना ही।